नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत से मॉडल फ्रिज के लगे हुए हैं, तो इससे आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि ये वीडियो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड होने वाला है। तो अगर आप एक अच्छा फ्रिज लेने के बारे में सोच रहे होंगे, अगर आपको किसी को एक अच्छा फ्रिज गिफ्ट करना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ LG के 2020 सीरीज के बारे में। LG ने 2020 सीरीज लॉन्च की है, जो वाकई में बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ चुकी है। मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक फ्रिज लेने वाले हैं तो फ्रिज 11,000 से लेकर फ्रिज 21,000 रेंज तक सारे मॉडल अवेलेबल है इस शॉप में। आप देख रहे हैं, मैं टॉप टू बॉटम उसका फुल रिव्यू करूंगा और वन बाय वन करके बताऊंगा कि आपको कौन सा फ्रिज आपके लिए बेटर होने वाला है। तो मैं शिवम गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने सभी प्यारे दोस्तों का अपने YouTube चैनल इन्फोराइट नाउ में। तो चलिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ये जानकारी दे दूं कि आप जॉन में बहुत से मॉडल, आपको कम से कम 15 मॉडल इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो सारे मैंने टॉप मॉडल ले रखे हैं, जो एक एक रेंज बाय रेंज है। तो आपको अगर कोई मॉडल पसंद आ जाए, तो आपको अगर वो मॉडल लेना है, उसके प्राइस भी मैं बताने वाला हूं, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक भी दे रखा है कि आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखें। तो चलिए, अगर कोई आपको मॉडल पसंद हो, अगर कोई इसके बारे में आपको पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सबसे पहले मैं एक मॉडल आपको स्टार्टिंग मॉडल दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए, मैंने एक फ्रिज में आपको दिखाऊंगा, ये तो हालांकि 2020 का नहीं है, एक साल पुराना है, लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करो तो ये 11,000 रुपए में आ रहा है इस समय, और ये आपका ग्रे मॉडल में है। इसमें लॉक भी नहीं है, इसमें हैंडल भी नहीं कंपनी ने दे रखा है, और सबसे बड़ी बात ये 1 स्टार में है, और ये यूनिट बहुत निकालेगा, 300 यूनिट के करीब निकालेगा। स्टेबलाइजर फ्री है, 5 साल इसकी वारंटी है, और ये आपका वायर सेल्फ में है। अंदर देखिए वायर सेल्फ में है, और ये इतना मजबूत भी नहीं रहता। कंपनी अब अपने वायर सेल्फ सारे मॉडल बंद कर चुकी है, अब LG ओनली बना रही है, वो टफन ग्लास बना रही है। तो ये वायर सेल्फ मेरे हिसाब से इसको आप ना ले तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपका रेंज ही 11,000 है तभी इसको ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा रेंज और कर लें तो आप थोड़ा नेक्स्ट मॉडल लें जिससे अपग्रेड वर्जन हो। ये थोड़ा ओल्ड वर्जन हो चुका है, और इसके कंपनी अगर ये खराब भी होता है तो कंपनी का अगर मॉडल इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर चुकी होगी तो इसके पार्ट भी प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, हाँ ये बेटर मॉडल हो सकता है क्योंकि ये LG का स्टील पॉलिश में मॉडल है, जो बहुत अच्छा है, और ये 3 स्टार मॉडल है। कैपेसिटी 190 लीटर है, स्टेबलाइजर फ्री है, 135 से 290 वोल्ट तक ऑटोकर सिस्टम है, 5 साल इसकी वारंटी, और ये टफन ग्लास में अवेलेबल है। ये टफन ग्लास है और बहुत अच्छा है। ये 13,700 से 14,000 रेंज में अवेलेबल है मार्केट में, इसको ले सकते हैं। हाँ ये बढ़िया मॉडल है। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं इस मॉडल की। तो ये आपका 2020 मॉडल है LG का, ग्रे कलर में है। अब हैंडल के मॉडल हैंडल में है, ये आपका लॉक है इसमें, 3 स्टार रेटिंग है, और 164 यूनिट पर ईयर निकालेगा आपका, 135 से 290 वोल्टेज तक ऑटो कट सिस्टम है, स्टेबलाइजर फ्री है, और आपको सबसे बड़ी बात ये 5 साल वारंटी में है, और काफी रेंज में है। इसका रेंज में बात करूं 13,500 से लेकर 13,800 रुपए में मार्केट में अवेलेबल है, और ये आपका टफन ग्लास में अवेलेबल है। ये टफन ग्लास में है, 185 लीटर में, और बहुत अच्छा मॉडल है, ग्रे कलर में, और रेंज में आपके इसको आप ले सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बेटर रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट मॉडल की बात कर लेते हैं, आपका 4 स्टार मॉडल है, और जो जिसमें 10 साल वारंटी होती है जिन मॉडल में, वो 10 साल इस तरीके का स्टिकर उसमें लगा रखा है, कंपनी लगा देती है, और ये आपका इन्वर्टर है। हम इन्वर्टर सीरीज में आ चुके हैं, जो इससे एडवांस सीरीज है इन्वर्टर, इसका स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर 10 ईयर वारंटी, 4 स्टार। अगर इसके लीटर की बात करें तो 188 लीटर में है, और सबसे बड़ी बात ये 90 वोल्टेज से 310 वोल्टेज तक ऑटो कट सिस्टम है, और ये देखिए लाल कलर में हैंडल है, लॉक है, और इस तरीके का अंदर इसका फुल लुक है, बहुत प्यारा लुक है, और टफन ग्लास में है, मजबूत है। ये इसका फ्रीजर है, 10 ईयर वारंटी है, 1 साल फुल फ्रिज की वारंटी है, तो इसको आप ले सकते हैं आपके बजट में है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 13,900 से आपको 14,300 तक ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, तो इसको आप ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, जो आप दिख रहा होगा हम डिजाइनर सीरीज पे आ गए हैं, जो डिजाइनर सीरीज बहुत अच्छी है, ये आपकी 2020 सीरीज है। इसके कलर कॉन्टेस्ट की बात करें तो बहुत ही प्यारा कलर है, ब्लू एंड रेड कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा पूल बना हुआ है, 3 स्टार मॉडल है, स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है, 10 ईयर वारंटी है, और विदाउट स्टेबलाइजर वर्क करेगा। यूनिट की बात करें तो 164 यूनिट पर ईयर निकालेगा, अगर लीटर कैपेसिटी की बात करें तो 188 लीटर है,
हैंडल है, लॉक है और हाइट भी अच्छा है। इस तरीके से दो टफन ग्लास है। ये पहले वाली फ्रिज अंदर लुक आपका जो पहले फ्रिज मैंने दिखाई लाल वाले उसी का है। अगर इसके मॉडल की बात करें, मॉडल भी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मॉडल आप देख सकते हैं। इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है KPDX और ये देखिए 2020 इस पर लिखा हुआ है। इस तरीके देख सकते KPDX मॉडल है, अच्छा है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 14,900 से लेकर 15,300 तक ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसको आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा मॉडल है। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। आप देख रहे हैं आपको दो मॉडल मैं बता रहा हूँ, दोनों 190 लीटर में है। एक आपका अंबर स्टील है, एक आपका साइनी स्टील है। एक आपका 3 स्टार है, एक आपका 4 स्टार है। एक की वारंटी 5 साल है और एक की वारंटी 10 साल है। एक यूनिट बनाती है 197 और एक बना रही है 131 यूनिट पर ईयर। और दोनों स्टेबलाइजर फ्री है और बहुत अच्छे दोनों मॉडल हैं। दोनों के सेम फीचर्स हैं, अंदर का लुक दोनों का इक्वली है। तो दोनों मॉडल हैं। और इसके अगर मॉडल की बात करें तो ये आपका जो अंबर स्टील मॉडल है ये आपका AASC है और एक आपका जो शाइनी स्टील है जो 4 स्टार है वो आपका APZY है। अब इसके मैं रेंज की बात कर लेता हूँ। इसका रेंज आप इसको मार्केट में ले सकते हैं, ये 14,400 से आपको 14,800 रुपये मार्केट मिल जाएगा। और साइनी स्टील 15,900 से आपको 14,900 से 15,300 में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये दोनों मॉडल बहुत बेहतर है। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। अब हम डिजाइनर पे आ गए हैं और ये 4 स्टार 10 साल वारंटी स्मार्ट इन्वर्टर दोनों मॉडल हैं। इसमें फर्क बस इतना है, एक आपका 4 स्टार है और एक आपका 5 स्टार है। दोनों डिजाइनर दोनों बेहतर है घर के लिए, दोनों बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। दोनों कलर कॉन्ट्रेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी डिजाइन में तैयार किए गए हैं। एक 10 ईयर दोनों 10 ईयर वारंटी पे हैं। और दोनों के अगर मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है आपका ASPX B201 और इसका मॉडल है आपका 201 AHPY। दोनों मॉडल अच्छे हैं, 10 साल वारंटी पे हैं और दोनों का मैं आपको अंदर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से लुक आप देख लीजिए, दोनों का लुक बहुत ही प्यारा है। सेम ही लुक है दोनों में, दोनों में टफन ग्लास है, दोनों का सेम लुक है। ये आपका दोनों का सेम लुक है, ठीक है। दोनों बेहतर है, डिजाइनर है। और रेंज की मैं बात करूँ तो आपका जो ये वाला मॉडल है जो 4 स्टार है आपको 16,200 से 16,500 में आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो ये 16,400 से आपको 16,800 रुपये मिल जाएगा। मैं आपको रेंज थोड़ा गैप करके बता रहा हूँ क्योंकि कोई कोई दुकानदार कम मार्जिन लेता है, कोई दुकानदार ज़्यादा मार्जिन लेता है। आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग करके इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं। अब दो मॉडल आपको बकेट में दिख रहे होंगे। एक आपका बहुत ही खूबसूरत साइनी स्टील मॉडल है, 10 ईयर वारंटी इन्वर्टर में है, 5 स्टार मॉडल है। सबसे बेहतर मोस्टली कस्टमर 5 स्टार मॉडल को प्रेफर करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस होने वाला है। ये 5 स्टार में है, 90 वोल्ट से 310 वोल्ट तक ऑटो कट सिस्टम है, केवल 131 यूनिट निकालेगा आपका। उसकी अगर मॉडल की बात करें तो D201 है, डी बोलो तो डलिया और 201 APZY नीचे वकेट दे रखा है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें आप कुछ भी अनियन वगैरह और रख सकते हैं, वेजिटेबल वगैरह रख सकते हैं। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 16,300 से 16,800 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा है, इसको आप आसानी से प्रेफर कर सकते हैं। इसमें स्टैंड की रिक्वायर्ड भी नहीं है, कंपनी ने स्टैंड दे रखा है और इस और अच्छा है। नेक्स्ट मॉडल की बात करें, ये मैं बोलूंगा मेरा फेवरेट मॉडल है, 2020 का सबसे अच्छा मॉडल है और ये मुझे वाकई में बहुत पसंद है। अगर मैं अपने घर के लूँ तो यही मॉडल लूंगा। तो चलिए, इसके बहुत ही डिजाइनर है, इतना अच्छा मॉडल बना हुआ है, लुक बहुत ही प्यारा है, 4 स्टार है, 10 ईयर वारंटी है और 90 से 310 वोल्टेज है और 131 यूनिट पर ईयर निकालेगा। मैं इसको खोल के आपको अंदर दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, टफन ग्लास है और अंदर का लुक भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मजबूत है। इसको आप ले सकते हैं। इसका अगर रेंज की बात करें तो 17,000 से आपको 17,300 रुपये मार्केट में मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मॉडल करें 215 लीटर में अगर बात करें तो ये 3 मॉडल लगे हुए हैं। एक आपका डिजाइनर लगा हुआ है, एक आपका साइनी स्टील लगा हुआ है, एक आपका अंबर स्टील लगा हुआ है। 3 मॉडल में 2 आपके 5 स्टार लगे हुए हैं, एक आपका 3 स्टार लगा हुआ है और एक मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, एक मैंने ओपन कर दिया है और काफी अच्छा क्वालिटी चेंज हो गई है। मजबूत टफन ग्लास है, बड़ी कूल फ्रेश जोन जो ट्रे दे रखी है वो काफी बड़ी दे रखी है। इसमें आप 1 लीटर की बोतल रख सकते हैं। अंदर का फ्रीजर का एरिया बड़ा है और गेट भी काफी बड़ा दे रखा है। नीचे बकेट डलिया जो है वो भी आपकी काफी बड़ी दे रखी है। ये आपको क्योंकि रेंज 220 लीटर में आ गया, अगर बड़ी फैमिली है तो इसको आप ले सकते हैं। 5 स्टार मॉडल है, 90 से 310 वोल्टेज ऑटो का सिस्टम है और केवल 139 यूनिट ये 1 ईयर में निकालेगा और ये निकालेगा 189 यूनिट, यानी ज्यादा यूनिट निकालेगा। और अच्छा, अगर हम इसकी प्राइस की, अगर इसके मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल है आपका ASAW और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 17,200 रुपए में ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। साइनी स्टील की बात करें
तो ये आपको 17,800 से 18,000 रेंज में मार्केट में मिल जाएगा। 5-स्टार मॉडल है। और अगर अंबर स्टील की बात करें तो ये भी 5-स्टार, ये भी बहुत सुंदर मॉडल है और ये सेम रेंज में आपको मिल जाएगा, दोनों एक ही रेंज में, क्योंकि बस शाइनी स्टील अंबर स्टील का बाकी सेम फीचर्स है। नेक्स्ट मॉडल की बात कर लेते हैं और ये अब आ गया है 235 लीटर में। दो मॉडल लगे, दोनों 22 सीरीज है, एक आपका शाइनी स्टार और एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा मॉडल है, बहुत ही अच्छी डिजाइन है। 221 लीटर में आपका डिजाइनर, दोनों के नीचे बकेट दे रखा है। अगर दोनों के मॉडल की बात करें तो जो शाइनी स्टील मॉडल है इसका मॉडल है D241 APZD, ये इसका मॉडल है। और लास्ट में जो मॉडल लगा हुआ है इसकी बात करें तो इसका मॉडल है ZLD241 ABC। भाई इसको ले सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अगर बड़ा फ्रिज लेना होगा तो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अंदर का फीचर देखिए, इसमें तीन रैक दे रखी है, 1, 2, 3, और इसका फ्रीजर भी काफी बड़ा है, बड़ा फ्रीजर। नीचे जो चिलर ट्रे रखी वो भी काफी बड़ी है, साइड में भी काफी जगह है और काफी मजबूत है। और ये बड़ा फ्रिज है आपका, और डबल डोर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, आप सिंगल डोर ज्यादा बेहतर होते हैं तो सिंगल डोर लीजिए। सिंगल डोर में डबल डोर के पीछे ज्यादा कूलिंग, ज्यादा समय तक बनी रहती है, तो उसको ले सकते हैं। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये 19,800 से 20,000 रेंज में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और नेक्स्ट की बात करें वो थोड़ा महंगा है, क्योंकि वो डिजाइनर है, वो इससे 1,000 रुपए महंगा, 20,800 से 21,000 रेंज में आपको मार्केट मिल जाएगा, इसको आप ले सकते हैं, दोनों बेहतर है। तो ये सारे मॉडल मैंने जितने भी सिंगल डोर फ्रिज है मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद है इसमें से जो फ्रिज आपको लेना होगा आपको एक ना एक फ्रिज जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने सारे फ्रिज 2020 मॉडल ले रखे थे, तो इन सारे फ्रिज में जो आपको पसंद हो उसको आप ले सकते हैं। उसका मैंने रेंज बताया, आप रेंज मार्केट ट्राई कर सकते हैं, मैंने वारंटी बताई, मैंने मॉडल बताया, मैंने स्टार वाइज सबकी रेटिंग बता दी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप इस कोई भी फ्रिज आप मार्केट में लेने जाते हैं तो यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये इसके रेट सीजन बाय सीजन अप एंड डाउन होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। आप जिस जिले में या जिस स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से आप इसके रेट ट्राई कर लें और मार्केट में देख के जहां आपको बेस्ट प्राइस है वहीं से इसको परचेज करें। फिलहाल मैंने जिस शोरूम में खड़ा हूं इसके ऑनर से ही, जो ऑनर इसके शोरूम प्राइस है उसके हिसाब से मैंने इसके रेट आपको बताए हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।